दोस्तों आज मैं आपको किचन काउंटर को कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं इसके बारे में बताऊंगी। मैंने अपनी किचन के जो काउंटर है उसको बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज किया है और कुछ ऐसी चीज़ें इस्तेमाल की हैं जिनका इस्तेमाल करके अगर आप किचन काउंटर को ऑर्गेनाइज करेंगे तो जो किचन का काउंटर है एकदम नीट और क्लीन रहेगा। तो चलिए आज हम देखते हैं कि मैंने अपने किचन के काउंटर टॉप को किस तरीके से ऑर्गेनाइज किया है। मेरी किचन में पैरेलल प्लेटफॉर्म है और ये जो प्लेटफॉर्म है ये मेन प्लेटफॉर्म है। मैं यहाँ पर आपको बताऊंगी कि मैंने किस तरीके से अपने प्लेटफॉर्म को ऑर्गेनाइज किया है। तो मेरी किचन में कॉर्नर में यहाँ पर ये ड्राई बालकनी दी गई है, तो मैंने उसमें एक प्लेटफॉर्म बैठलवाया है और प्लेटफॉर्म के ऊपर मैंने बहुत सारा सामान रखा है और सामान को इस तरीके से ऑर्गेनाइज किया है कि ये जगह भी काफ़ी बच गई है। तो ये देखिए साइड में यहाँ पर ये दो बास्केट हैं, एक ये जो बास्केट है ये फ्रूट बास्केट है और बास्केट के ऊपर यहाँ पर ये पूरा ये नेट का कवर है और इसमें जिप भी लगी हुई है जिससे कि आप फ्रूट को आसानी से सुरक्षित रख सकते हैं। ये देखिए, तो मैंने यहाँ पर ये सीताफल और एप्पल रखा हुआ है। तो इस फ्रूट बास्केट में मैं 3 से 4 किलो फ्रूट रख लेती हूँ और बास्केट को हम कर देंगे कवर। और साइड में यहाँ पर एक और बास्केट मैंने रखी है और इसमें मैंने यहाँ पर ये वाटर बोतल रखी हैं जो कि मेरे बच्चों की स्कूल की हैं और साथ ही साथ यहाँ पर पीछे कुछ बॉटल्स और रखी हैं जो कि मैं नॉर्मल घर में यूज़ करती हूँ। और इस बास्केट के साथ में यहाँ पर ये मैंने एक स्टैंड रखा है, ये स्टील का है और इस स्टैंड में मैंने ये ढक्कन रखे हैं जो कि कढ़ाई पैन और भगोने के ढक्कन हैं। और पीछे आप देख सकते हैं मैंने दो ट्रे रखी हैं और ये जो दो ट्रे हैं ये मेरे नॉर्मल रूटीन वाली ट्रे हैं, तो इनको मैं इस तरीके से बाहर रख लेती हूँ। और साथ ही साथ कॉर्नर में यहाँ पर मैंने रखा है कप का स्टैंड और इस स्टैंड में मैंने बड़े साइज़ के कप को हैंग करके रखा हुआ है। तो अब यहाँ पर ये आया है मेन प्लेटफॉर्म और मेन प्लेटफॉर्म में यहाँ पर साइड में जगह है, तो उस जगह में मैंने एक छोटा सा डस्टबिन रखा है। इस डस्टबिन में मैं गीला कचरा रखती हूँ और डस्टबिन के साथ ही मैंने यहाँ पर एक रखा है ऑर्गेनाइज़र जिसमें कि मैंने रखा है लिक्विड सोप, ब्रश, वाइपर, स्क्रबर एंड स्पॉन्ज। इस ऑर्गेनाइज़र को अगर आपके पास जगह नहीं है तो इसको आप टांग भी सकते हैं। तो साइड में यहाँ पर जब हम स्पॉन्ज रखते हैं तो वो गीला होता है जिस कारण पानी नीचे आता है, तो पानी हटाने के लिए यहाँ पर साइड में एक ट्रे दी गई है। तो साइड में यहाँ पर मेरी किचन में दो सिंक दिए हैं, एक सिंक में मैं इस तरीके की जाली रखती हूँ और दूसरे सिंक में मैं गंदे बर्तन रखती हूँ। जैसे ही मैं बर्तन को साफ कर लेती हूँ, साफ करने के बाद बर्तनों को मैं जाली वाली बास्केट में ट्रांसफ़र कर देती हूँ जिससे कि बर्तन आसानी से सूख जाते हैं। तो इसी प्लेटफॉर्म पे मैंने वॉल पे लगाया है स्पाइसेस रैक और ये जो रैक है ये बहुत आसानी से नीचे उतर आती है और इसमें मैंने यहाँ पर ये कुछ खड़े मसाले और कुछ पिसे मसाले रखे हुए हैं जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ में आते हैं। तो मैं इसको वापस टांग देती हूँ, बहुत ही कन्वीनियंट होता है इसको यूज़ करना। और आप देख सकते हैं नीचे यहाँ पर स्लैब एकदम खाली है और साइड में यहाँ पर ये गैस का चूल्हा भी रखा है। चूल्हे के साइड में दूसरी तरफ वॉल पर मैंने यहाँ पर ये एक और रैक लगाई हुई है और इस रैक में मैंने रखी है चाय की पत्ती, शक्कर, तेल, हींग की डिब्बी और घी की डिब्बी। ये शक्कर का डिब्बा है और इसके ऊपर शुगर लिखा हुआ है, ढूंढने में भी आसानी रहती है। और साथ ही साथ यहाँ पर ये चाय की पत्ती का डिब्बा है, इसके ऊपर भी टी लिखा हुआ है। ये रही यहाँ पर मेरी दूसरी साइड वाली स्लैब और इस स्लैब के ऊपर मैंने रखा है ओवन, फूड प्रोसेसर और साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि ऊपर यहाँ पर एक स्टैंड टंगा हुआ है जिसमें कि रखे हैं कप और प्लेट। और साथ ही साथ यहाँ पर दो छोटे छोटे स्टैंड और लगे हैं, इसमें रखे हैं मैंने स्पून और नाइफ। और साइड में आप यहाँ देख सकते हैं कि ओवन के ऊपर मैंने एक ट्रे रखी है, उस ट्रे में रखा है मैंने एक फ्लावर पॉट और कुछ ड्राई फ्रूट्स। और जब भी मैं ओवन को इस्तेमाल करती हूँ ट्रे को इस तरीके से हटा देती हूँ। तो ये जो ट्रे है इसमें मैंने यहाँ पर ये किचन टावल रखी है, एक छोटा सा पॉट रखा है और पीछे फ्लावर पॉट के मैंने यहाँ पर रखा है किचन टिश्यू पेपर। ये जो किचन टिश्यू पेपर होता है बहुत काम का होता है और इस टिश्यू पेपर की मदद से आप किचन को अच्छे से साफ कर सकते हैं और ऑयली चीज़ें होती हैं ऑयल तो बहुत आसानी से साफ हो जाता है। और बाकी आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने जार में काजू, बादाम, पिस्ता और किशमिश रखी है और ट्रे को रख देते हैं हम ओवन के ऊपर वापस से। इन सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि किचन की जो स्लैब है इसके ऊपर कितनी सारी जगह बची हुई है। और साइड में यहाँ पर रखा है मेरा ये फूड प्रोसेसर
और फूड प्रोसेसर के ऊपर यहाँ पर ये दो स्टैंड मैंने टांगे हुए हैं, और ये जो दोनों स्टैंड है स्टील के हैं, और ये जो स्टैंड है एक स्टैंड में मैंने रखे हैं स्पून एंड फॉक, और दूसरे स्टैंड में मैंने रखा है नाइफ, पीलर, सीजर, ब्रश, जो काटने छीलने वाली चीज़ें होती हैं वो मैं यहाँ पर इस तरीके से रख देती हूँ। आप चाहे तो इन दोनों स्टैंड को स्लैब के ऊपर रख सकते हैं, पर मैंने यहाँ पर इनको टांगा है जिससे कि स्लैब के ऊपर स्पेस ज़्यादा मिल जाता है। और इसी तरीके से साइड में यहाँ पर मैंने स्टैंड में कप और प्लेट को टांग के रखा हुआ है, और ये जो कप हैं ये मेरे रोज़मर्रा के चाय वाले कप हैं, वो छोटे साइज़ के हैं। दूसरे स्टैंड में आपने बड़े साइज़ के कप देखे हैं जिसमें मैं अपने बच्चों को बॉर्नविटा या फिर दूध देती हूँ। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने के बाद भी स्लैब पर यहाँ पर कितना सारा स्पेस बचा हुआ है। आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरी किचन में जो मैंने टूल्स इस्तेमाल किए हैं वो कैसे लगे, और अगर आप उनको ख़रीदना चाहते हैं तो मैंने उनका नीचे लिंक दे दिया है, आप उनको ख़रीद सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।